हम कर रहे हैं वेरिएबल रिजर्व रेशियो, उसमें रेपो रेट और रिपर्चेज रेट और लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF. इट इज द रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक. मेन बैंक आपकी क्या है? RBI. एंड RBI पैसा देती है कमर्शियल बैंक को. कमर्शियल बैंक को. सो रेट एट विच RBI लेंड्स मनी टू कमर्शियल बैंक्स. व्हेन कमर्शियल बैंक्स हैव शॉर्टेज ऑफ फंड्स, दे कैन बोरो फ्रॉम RBI. कमर्शियल बैंक के पास जब फंड्स की शॉर्टेज है तो किसके पास जाएगी? RBI के पास जाएगी टू बोरो दोज फंड्स. ओके, सो दैट इज रेपो रेट और रीपर्चेज रेट, दैट इज लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी LAF, जो मिलती है कमर्शियल बैंक्स को. रिवर्स रेपो रेट, इट इज द रेट एट विच RBI बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक. कई बार क्या होता है, RBI को तुरंत पैसा चाहिए. सो RBI, फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट का कोई अर्जेंट पेमेंट करना है या फिर आपको फॉरेन एक्सचेंज का कोई पेमेंट करना है फॉरेन एक्सचेंज में, सो RBI को पैसा चाहिए. तो क्या द रेट एट विच RBI बोरोज द मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक इज रिवर्स रेपो रेट. RBI कैन यूज इट एज अ टूल टू ड्रेन एक्सेस मनी आउट ऑफ बैंकिंग सिस्टम. सो जब RBI को पैसा चाहिए, इट बोरोज मनी फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स. कमर्शियल बैंक से पैसा लिया RBI ने. पैसा ले सकती है कि यदि सिस्टम में एक्सेस मनी है तो इन्फ्लेशन होगा. सो एक्सेस मनी को ड्रेन कर ले, अपने पास पैसा बुला ले. सो एक्सेस मनी विल बी ड्रेन्ड आउट ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड इट कैन बी यूज्ड एज अ टूल टू ड्रेन एक्सेस मनी फ्रॉम बैंकिंग सिस्टम. रिवर्स रेपो रेट कैन सर्व एज अ टूल.